झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। इसी बीच डोमचांच प्रखंड के फुलवरिया पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार रविंद्र मेहता ने कहा कि जनता मौका देगी तो जन समस्या का समाधान करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि फुलवरिया में पानी की समस्या है, गंदा पानी सड़क पर बहता है जिसे आवाजाही में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वृद्धा पेंशन के लायक हैं उनका वृद्धा पेंशन कराएंगे, जितने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हो सकते हैं उनको आवास योजना का लाभ दिला सकेंगे। इसके साथ साथ विधायक और सांसद से फंड लेकर के यहाँ विकास का काम करेंगे हम। यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आज की बदलाव आया ही नहीं है। ये 72 सालों से एक ही परिवार के लोग बन रहे हैं, तो यहाँ उस चीज़ का तो दिखता नहीं है कि मुखिया बोल दे कि हम ये करेंगे वो करेंगे मगर नहीं करता है। इसी बात तो इस गांव में नहीं आती है, इस पंचायत में तो नहीं आती है। विकास के नाम पर कुछ नहीं हो सका अभी तक। ये 11 साल के दरमियान में विकास कहीं कुछ दिखा नहीं है। यहाँ से फंड वापस चला जा रहा है और हमारे यहाँ आम तो आम एक अपाहिज आदमी जो वृद्धा है जो बैसाखी से चलता है जयलाल मेहता, उसको भी आज तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल सका। वैसे लोग को भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप खुद समझिए कि यहाँ विकास क्या हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ हरिजन लोग हैं बहुत, ऐसा कि मिट्टी के मकान गिर गए हुए हैं, उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल सका। यहाँ कुछ विकास का काम हो ही नहीं रहा है न यहाँ लोगों में तत्परता है कुछ करने के लिए। यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आज की बदलाव आया ही नहीं है। ये 72 सालों से एक ही परिवार के लोग बन रहे हैं, तो यहाँ उस चीज़ का तो दिखता नहीं है कि मुखिया बोल दे कि हम ये करेंगे वो करेंगे मगर नहीं करता है। इसी बात तो इस गांव में नहीं आती है, इस पंचायत में तो नहीं आती है। धन्यवाद धन्यवाद। इस पंचायत में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो सका अभी तक। ये 11 साल के दरमियान में विकास कहीं कुछ दिखा नहीं है। यहाँ से फंड वापस चला जा रहा है और हमारे यहाँ आम तो आम एक अपाहिज आदमी जो वृद्धा है जो बैसाखी से चलता है जयलाल मेहता, उसको भी आज तक वृद्धा पेंशन नहीं मिल सका। वैसे लोग को भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप खुद समझिए कि यहाँ विकास क्या हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ हरिजन लोग हैं बहुत, ऐसा कि मिट्टी के मकान गिर गए हुए हैं, उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिल सका। यहाँ कुछ विकास का काम हो ही नहीं रहा है न यहाँ लोगों में तत्परता है कुछ करने के लिए, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा पंचायत फुलवरिया किसानों का गांव है और किसानों के लिए यदि हम मुखिया में जीत जाते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि किसानों का सब्जी फसल का मंडी का व्यवस्था करेंगे। दूसरा, जितने भी यहाँ लोग वृद्धा पेंशन के लायक हैं उनका वृद्धा पेंशन कराएंगे, जितने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हो सकते हैं उनको आवास योजना का लाभ दिला सकेंगे।